लुई ब्रेल 4 जनवरी 1809 से 6 जनवरी 1852 फ्रांस के शिक्षाविद तथा अन्वेषक थे जिन्होंने अंधों के लिए लिखने तथा पढ़ने की प्रणाली विकसित की। यह पद्धति ब्रेल नाम से जग प्रसिद्ध है। फ्रांस में जन्मे लुई ब्रेल अंधों के लिए ज्ञान के चक्षु बन गए। ब्रेल लिपि के निर्माण से नेत्रहीनों की पढ़ने की कठिनाई को मिटने वाले लुई स्वयं भी नेत्रहीन थे। जीवनी लुईस ब्रेल का जन्म 4 जनवरी 1809 में फ्रांस के छोटे से ग्राम कुप्रे में एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। इनके पिता साइमन रेले ब्रेल शाही घोड़ों के लिए काठी और जीन बनाने का कार्य किया करते थे। पारिवारिक आवश्यकताओं के अनुरूप पर्याप्त आर्थिक संसाधन नहीं होने के कारण साइमन को अतिरिक्त मेहनत करनी होती थी। इसीलिए जब बालक लुईस मात्र 3 वर्ष के हुए तो उनके पिता ने उसे भी अपने साथ घोड़ों के लिए काठी और जीन बनाने के कार्य में लगा लिया। अपने स्वभाव के अनुरूप 3 वर्षीय बालक अपने आसपास उपलब्ध वस्तुओं से खेलने में अपना समय बिताया करता था। बालक लुईस के खेलने की वस्तुएं वही थीं जो उसके पिता द्वारा अपने कार्य में उपयोग की जाती थीं, जैसे कठोर लकड़ी, रस्सी, लोहे के टुकड़े, घोड़े की नाल, चाकू और काम आने वाले लोहे के औजार। एक दिन काठी के लिए लकड़ी को काटने में इस्तेमाल की जाने वाली चाकू अचानक उछल कर इस नन्हे बालक की आंख में जा लगी और बालक की आंख से खून की धारा बह निकली। रोता हुआ बालक अपनी आंख को हाथ से दबाकर सीधे घर आया। घर में साधारण जदी लगाकर उसकी आंख पर पट्टी कर दी गई। शायद यह माना गया होगा कि छोटा बालक है, शीघ्र ही चोट स्वतः ठीक हो जाएगी। बालक लुईस की आंख के ठीक होने की प्रतीक्षा की जाने लगी। कुछ दिन बाद बालक लुईस ने अपनी दूसरी आंख से भी कम दिखलाई देने की शिकायत की, परंतु यह उसके पिता साइमन की साधनहीनता रही होगी अथवा लापरवाही, जिसके चलते बालक की आंख का समुचित इलाज नहीं कराया जा सका और धीरे धीरे वह नन्हा बालक 8 वर्ष का पूरा होने तक पूरी तरह दृष्टिहीन हो गया। रंग बिरंगे संसार के स्थान पर उस बालक के लिए सब कुछ गहन अंधकार में डूब गया। ब्रेल लिपि विकास। यह बालक कोई साधारण बालक नहीं था। उसके मन में संसार से लड़ने की प्रबल इच्छा शक्ति थी। उसने हार नहीं मानी और खारंस के मशहूर पादरी बैलेंटाइन की शरण में जा पहुंचा। पादरी बैलेंटाइन के प्रयासों के चलते 1819 में इस 10 वर्षीय बालक को रॉयल इंस्टीट्यूट फॉर ब्लाइंडनेस में दाखिला मिल गया। यह वर्ष 1821 था। बालक लुईस अब तक 12 वर्ष का हो चुका था। इसी दौरान विद्यालय में बालक लुईस के पता चला कि शाही सेना के सेवानिवृत्त कैप्टन चार्ल्स बार्बर ने सेना के लिए ऐसी कूटलिपि का विकास किया है जिसकी सहायता से वे ततोलकर अंधेरे में भी संदेशों के पढ़ सकते थे। कैप्टन चार्ल्स बार्बर का उद्देश्य युद्ध के दौरान सैनिकों को आने वाली परेशानियों को कम करना था। बालक लुईस का मस्तिष्क सैनिकों के द्वारा ततोलकर पढ़ी जा सकने वाली कूटलिपि में दृष्टिहीन व्यक्तियों के लिए पढ़ने की संभावना ढूंढ रहा था। उसने पादरी बैलेंटाइन से यह इच्छा प्रकट की कि वे कैप्टन चार्ल्स बार्बर से मुलाकात करना चाहता है। पादरी ने लुईस की कैप्टन से मुलाकात की व्यवस्था कराई। अपनी मुलाकात के दौरान बालक ने कैप्टन के द्वारा सुझाई गई कूटलिपि में कुछ संशोधन प्रस्तावित किए। कैप्टन चार्ल्स बार्बर उस अंधे बालक का आत्मविश्वास देखकर दंग रह गए। अंततः पादरी बैलेंटाइन के इस शिष्य के द्वारा बताए गए संशोधनों को उन्होंने स्वीकार किया। ब्रेल लिपि मायता। कालांतर में स्वयं लुईस ब्रेल ने 8 वर्षों के अथक परिश्रम से इस लिपि में अनेक संशोधन किए और अंततः 1829 में 6 बिंदुओं पर आधारित ऐसी लिपि बनाने में सफल हुए। लुईस ब्रेल के आत्मविश्वास की अभी और परीक्षा होना बाकी था, इसलिए उनके द्वारा आविष्कृत लिपि को तत्कालीन शिक्षा शास्त्रियों द्वारा मान्यता नहीं दी गई और उसका मखौल उड़ाया गया। सेना के सेवानिवृत्त कैप्टन चार्ल्स बार्बर के नाम का साया लगातार इस लिपि पर मंडराता रहा और सेना के द्वारा उपयोग में लाए जाने के कारण इस लिपि को सेना की कूटलिपि ही समझा गया, परंतु लुईस ब्रेल ने हार नहीं मानी और पादरी बैलेंटाइन के संवेदनात्मक आर्थिक एवं मानसिक सहयोग से इस शिष्य ने अपनी आविष्कृत लिपि को दृष्टिहीन व्यक्तियों के मध्य लगातार प्रचारित किया। उन्होंने सरकार से प्रार्थना की कि इसे दृष्टिहीनों की भाषा के रूप में मान्यता प्रदान की जाए। यह लुईस का दुर्भाग्य रहा कि उनके प्रयासों को सफलता नहीं मिल सकी और तत्कालीन शिक्षा शास्त्रियों द्वारा इसे भाषा के रूप में मान्यता दिए जाने योग्य नहीं समझा गया। अपने प्रयासों के सामाजिक एवं संवैधानिक मान्यता दिलाने के लिए संघर्षरत लुईस 45 वर्ष की अवस्था में अंततः 1852 में जीवन की लड़ाई से हार गए, परंतु उनका हौसला उनकी मृत्यु के बाद भी नहीं मरा। मृत्युपरांत राष्ट्रीय सम्मान। उनका देहांत 6 जनवरी 1852 को हुआ।
लुईस ब्रेल द्वारा आविष्कृत 6 बिंदुओं पर आधारित लिपि उनकी मृत्यु के उपरांत दृष्टिहीनों के मध्य लगातार लोकप्रिय होती गई। लुईस की मृत्यु की घटना के बाद शिक्षा शास्त्रियों द्वारा उनके किए गए कार्य की गंभीरता को समझा जाने लगा और दृष्टिहीनों के मध्य लगातार मान्यता पाती जा रही लिपि के प्रति अपने पूर्वाग्रहपूर्ण दकियानुसी विचारों से बाहर निकलते हुए इसे मान्यता प्रदान करने की दिशा में विचारित किया गया। अंततः लुईस की मृत्यु के पूरे 100 वर्षों के बाद फ्रांस में 20 जून 1952 का दिन उनके सम्मान का दिवस निर्धारित किया गया। इस दिन उनके गृह ग्राम कुप्रे में 100 वर्ष पूर्व दफनाए गए उनके पार्थिव शरीर के अवशेष पूरे राजकीय सम्मान के साथ बाहर निकाले गए। उस दिन जैसे लुईस के ग्राम कुप्रे में उनका पुनर्जन्म हुआ, स्थानीय प्रशासन तथा सेना के आला अधिकारी, जिनके पूर्वजों ने लुईस के जीवन काल में उनके लगातार उपेक्षित किया तथा दृष्टिहीनों के लिए उनकी लिपि को गंभीरता से न लेकर उसका माखौल उदाया, अपने पूर्वजों के द्वारा की गई गलती की माफी मांगने के लिए उनकी समाधि के चारों ओर इकट्ठा हुए। लुईस के शरीर के अवशेष ससम्मान निकाले गए। सेना के द्वारा बजाई गई शॉक धुन के बीच राष्ट्रीय ध्वज में उन्हें पुनः लपेटा गया और अपनी ऐतिहासिक भूल के लिए उत्खनित नश्वर शरीर के अंश के सामने समूचे राष्ट्र ने उनसे माफी मांगी। राष्ट्रीय धुन बजाई गई और इस सब के उपरांत धर्माधिकारियों के द्वारा दिए गए निर्देशन के अनुरूप लुईस से ससम्मान चिर निद्रा में लीन होने प्रार्थना की गई और इसके लिए बनाए गए स्थान में उन्हें राष्ट्रीय सम्मान के साथ पुनः दफनाया गया। संपूर्ण वातावरण ऐसा अनुभव दे रहा था जैसे लुईस पुनः जीवित हो उठे हैं। भारत सरकार द्वारा सम्मान। भारत सरकार ने सन 2009 में लुईस ब्रेल के सम्मान में डाक टिकट जारी किया है। इस प्रकार एक राष्ट्र के द्वारा अपनी ऐतिहासिक भूल का प्रायश्चित किया गया, परंतु लुईस द्वारा किए गए कार्य अकेले किसी राष्ट्र के लिए न होकर संपूर्ण विश्व की दृष्टिहीन मानव जाति के लिए उपयोगी थे। अतः सिर्फ एक राष्ट्र के द्वारा सम्मान प्रदान किए जाने भर से उस मनीषी को सच्ची श्रद्धांजलि नहीं हो सकती थी। विगत वर्ष 2009 में 4 जनवरी को जब लुईस ब्रेल के जन्म को पूरे 200 वर्षों का समय पूरा हुआ तो लुई ब्रेल जन्म दिवस के अवसर पर हमारे देश ने उन्हें पुनः पुनर्जीवित करने का प्रयास किया, जब इस अवसर पर उनके सम्मान में डाक टिकट जारी किया गया। यह शायद पहला अवसर नहीं है जब मानव जाति ने किसी महान आविष्कारक के कार्य को उसके जीवन काल में उपेक्षित किया और जब वे महान आविष्कारक नहीं रहे तो उनके कार्य का सही मूल्यांकन तथा उन्हें अपेक्षित सम्मान प्रदान करते हुए अपनी भूल का सुधार किया। ऐसी परिस्थितियां संपूर्ण विश्व के समक्ष अक्सर आती रहती हैं जब किसी महान आत्मा के कार्य को समय रहते ईमानदारी से मूल्यांकित नहीं किया जाता तथा उसकी मृत्यु के उपरांत उसके द्वारा किए गए कार्य का वास्तविक मूल्यांकन हो पाता है। ऐसी भूलों के लिए कदाचित परिस्थितियों को निरपेक्ष रूप से न देख पाने की हमारी अयोग्यता ही हो सकती है।